मंत्री से जुड़ी हुई पटना से यह खबर है। पूर्व मंत्री श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा, जिसमें आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से तमाम जो उनके पास पद थे उससे इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर श्याम रजक थे, लेकिन अब उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो राष्ट्रीय महासचिव के पद से देखिए श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है, और जिन शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से इस्तीफे के तौर पर किया गया है वो बताता है कि उनको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। क्या उनकी कुछ उम्मीदें थी जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई? किस धोखे की बात वो कर रहे हैं? शतरंज क्या खेला जा रहा था अंदर, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ न्यूज 18 पर इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले इस वक्त पूर्व मंत्री श्याम रजक जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ और उनके साथ मौजूदगी है श्याम रजक की। तो आनंद, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर भी है और आरजेडी को सबसे बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, आखिर क्या वजह रही श्याम रजक ने आरजेडी को छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवा और श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, हम कोई बात आगे स्टार्ट करें, आपने इस्तीफा दे दिया, आपने बजपता फैक्स करके आरजेडी को जानकारी भी दे दी, लेकिन जो चार लाइनें आपने लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए, राजनीति का शतरंज है और मुझको शतरंज नहीं आता है, मैं शतरंज का शौकीन भी नहीं रहा हूं। और जो राजनीतिक लोग हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, उसमें इतने बड़े होशियार लोग हैं, खिलाड़ी हैं, कि मैं तो भावनात्मक किसी के साथ जुड़ता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ नेता के साथ भावनात्मक संबंध था, है, रहेगा, लेकिन शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं था, न शौकीन था, तो मैं धोखा खा गया। वो मोहरा चला रहे थे, वो अपना राजनीति कर रहे थे, मैं रिश्ता निभा रहा था, मैं तो भावनात्मक संबंध से रिश्ता। कौन कौन, किन के बारे में सर? राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, जो हमारे नेता रहे। लालू जी की आप तारीफ कर रहे हैं, बाकी फिर सबकी बात तारीफ कर रहा हूँ। लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, राबड़ी जी हो, मिसा जी हो, जगतानंद हो, सब लोग, जो भी लोग हैं, सब लोग शतरंज वो खेल रहे थे, हम शतरंज के शौकीन नहीं रहे, इसलिए मैं धोखा खा गया। वो लोग मोहरे चल रहे थे और मैं धोखा खा गया, मैं रिश्ता निभा रहा था। मोहरा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि 2020 में 19 में जब वो जनता दल यू से, जब मैं नहीं भी आना चाह रहा था, लेकिन लालू यादव जी ने जिस तरह से मुझको भावनात्मक संबंध का फायदा उठाया, उन्होंने क्या क्या नहीं मुझे आश्वासन दिया, और उसके बाद 2020 में मैं अन्याय का शिकार हुआ, 22 में अन्याय का शिकार हुआ, मैं समझता रहा, 2024 में अन्याय का शिकार हुआ, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं शिकार हुआ, तो मैं शिकार होते गया, तो मुझे लगा कि मैं खिलाड़ी नहीं था, शौकीन भी नहीं था, इसलिए मैं धोखा खाते रहा। तो आप क्या चाहते थे कि जैसे आप आरजेडी में गए हुए, कुछ आश्वासन मिले, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा या लोकसभा? राजनीतिक आदमी तो चुनाव ही न लड़ना चाहेगा। तो क्या बोला गया जब टिकट का आपने डिमांड किया, तो क्या बोला गया? तो उन लोग ही बताएंगे क्या डिमांड, कोई राजनीति में जब छोड़ करके, मैं मंत्री पद छोड़ करके गया, विधायक पद छोड़ करके गया, और वहां मैं हर बार चुनाव जीता, हारा कभी नहीं, और अच्छे मतों से हरदम जीतता रहा, तो वहां की जनता का जो भी प्यार रहा, और मैं जो भी कुछ फैसला लिया जनता के, पूरा हमने एक महीना तक जनता का नब्ज टटोल रहे थे। लोगों ने यही कहा कि आप वहां रह करके क्यों अपमानित महसूस कर रहे हैं, फुलवाड़ी का अपमान हो रहा है, तो मैंने ये फैसला लिया। मेरे सामने दो ही विकल्प आज हैं, या तो मैं संन्यास ले लूं, या तो मैं किसी दल के साथ जुड़ कर कर करके मैं राजनीति करूं और वहां पर लोगों का विकास करूं। एक चर्चा है और हम लोगों के पास जानकारी है कि आप जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, बहुत जल्द समय आने पर बता दिया जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर आया क्या है? नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी है, विकास हम साथ काम किए हैं, अनुभव मेरा रहा है काम करने का, उनका काम करने का, उनका विजन सब रहा है। अच्छा श्याम जी, एक बार बताइए, जब आप 2019 में आप जेडीयू छोड़ के आरजेडी की तरफ गए, तो वैसी परिस्थिति तब क्या हो गई थी कि अब एक बार फिर से जो आप समय जो परिस्थिति हुई थी, इससे माननीय नीतीश कुमार जी भी वाकिफ है, जनता दल यू के नेता लोग भी वाकिफ है,
और आप सब भी कांग्रेस वाकिफ हैं किस कारणों से मैं इस्तीफा दिया था। अलग है कि मैं बड़ा भावुक हूँ। राजनीति में लोग कहते हैं कि लोगों को भावना में नहीं बहना चाहिए। मैं स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। अब मेरे स्वाभिमान पर चोट लगा, मुझे शिकायत नीति जिससे भी नहीं थी और किसी से नहीं थी, जिस आदमी से थी आज वो राष्ट्रीय जनता दल में है कि जनता दल यू में है कि भारतीय जनता पार्टी तो में चुनाव नहीं चुनाव लड़ने की इच्छा श्याम रजक की थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए अब ये अपमान नहीं सहेंगे, स्वाभिमान के साथ रहते हैं जहां रहते हैं, ये कह रहे हैं श्याम रजक। हालांकि रास्ता क्या चुनेंगे, दो ही विकल्प की चर्चा वो कर रहे हैं, या तो संन्यास या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़ना।